हेलो दिस इज सिस्टर आज हम पढ़ने वाले सिली सिस्टर क्लास थ्री इंग्लिश चैप्टर है पहले भी हम इसका वीडियो भेज चुके हैं लेकिन उसमें क्या था आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए वो वीडियो था उसमें सिर्फ प्रोनाशिएसन था अब जो हम ये वीडियो लेकर के आए इसमें हम क्या देखेंगे पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके न्यू वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स तो बेसिकली मुख्य रूप से इस चैप्टर इस वीडियो में ये जो वीडियो लाए हैं ये प्रश्न उत्तर के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए आपके लिए रहेगा चलिए शुरू करते हैं मदर योर बेबी सिली सी सो वेरी चाइल्ड सी डॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स वेन वी प्ले विथ पीपल्स सी थिंक दे आर रियल फूड सी वन ट्राइज टू पुट देम इन टू अर माउथ वेन आई ओपन ए बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न हर एबीसी सिटी देजेज विथ हर हैंट नथिंग दिस इज़ येबीज वई ऑफ डेस्ट डूइंग हर लाइसेंस ये लड़का जो है यह अपनी बहन की शिकायत है अपनी मम्मी से बोलता है मम्मी आपकी जो बच्ची है वो बहुत ही नासमझ है नादान है जब भी मतलब उसको स्टार्स और स्ट्रीट की जो लाइट है उसमें डिफरेंस नहीं पता पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो वो पेजेस फाड़ देती है पेबल्स को खाना समझ के खाने की कोशिश करती है वेन आई शेक माई हैड एट हेर इन एंगर and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it's great fun. Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully, she look quickly, she looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. Sometimes I hold a class with the donkeys, that our washerman brings to carry away the dirty clothes i warn her that i am the schoolmaster and that she better not make any noise only then she keeps quiet i insist that she sh should call me dada your baby wants to catch the moon she's really funny mother your baby is silly she's so very childish rabindra tagore in school new was technically childish people स्टोन्स हो गया donkeys एनिमल हो गया डर्टी अनकलीन गंदे हो गए anger मतलब गुस्सा एक्साइटमेंट उत्तेजित उत्साह प्लेफुल नोटी शरारती और वॉशरमैन यानी जो कपड़े धोने का काम करता है अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर के इस क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है इसमें ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको कहीं पे एल वाई ऐड करना है कहीं पे आई एस एच ऐड करना है इस प्रकार से खूब सारे इसमें प्रश्न रहेंगे चलिए शुरू करते हैं नंबर वन डज द बेबी डू विद पेबल्स बच्ची पेबल्स के साथ में क्या करती है वॉट बेबी डू विद द बुक बुक के साथ में क्या करती है वाइन डज द बेबी लाफ कब हंसती है बेबी डज द वॉशरमैन ब्रोइंग डोंकीज कब लेके आता है क्यों लेके आता है जो वॉशरमैन है वो डोंकीज क्यों लेके आता है आइए देख लेते हैं के करके वॉट डज द बेबी डू विद द पेबल्स बेबी पेबल्स के साथ में क्या करती है बताओ तो जरा ओके द बेबी ट्राइज टू ईट द पेबल्स थिंकिंग दैट इट इज रियल फूड रियल फूड समझ के उनको खाने की कोशिश करती है वॉट द बेबी डू विद द बुक बुक के साथ में क्या करती है बताओ द बेबी द पेजेस ऑफ बुक एंड लाफ्स बेबी क्या करती है बुक्स के पेजेस को फाड़ देती है और हंसती है तीसरा प्रश्न वाइन बेबी लाफ कब हंसती है बेबी वाइन हर ब्रदर्स एंड हर एंड भैया गुस्से से उसको डांटता है या फिर सर हिलाता है गुस्से में तब वो हंसती है वॉशरमैन ब्रॉइंग्स डोंकी वॉशरमैन डोंकीज को क्यों लेके आता है द वॉशरमैन ब्रॉइंग्स डोंकी टू कैरी अबाई द्लॉथ हमने पढ़ा कि वॉशरमैन अपने डोंकिज को लेके आता है गंदे कपड़े लेके जाता है और उनको फिर धो के वापस दे के जाता है ना तो गंदे कपड़े जो है डर्टी क्लोथ्स हैं उनको लेने के लिए वॉशरमैन डोंकीज़ को लेके आता है यह हुए आपके चार प्रश्न समझ में आए चलिए नेक्स्ट अब ये आ गए वर्ड बिल्डिंग आ गई इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम स्टोरी अब ये देखिए इसमें मिसिंग लेटर है आपको यहां पे स्पेलिंग बनानी है इसकी पहली सिली हो गई पेबल्स नोटी चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन में फिर इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी कौन कौन से वर्ड्स थे पहला था सिली, दूसरा क्या था नोटी तीसरा था पेबल्स चौथा एक्साइटमेंट पांचवा स्ट्रीट्स छठा डोंकी और सातवां स्कोल्ड आठवां लाइसेंस तो ये जो मिसिंग लेटर दिया हुआ है इस, इस स्पेलिंग से उसको पूरा करना है अब कौन कौन सा मिस है लेटर मिसिंग है उसको आप यहां से देख करके लिख सकते हैं <coughs> तो पहला इसमें होगा सिली दूसरा नोटी तीसरा फेबल्स चौथा एक्साइटमेंट पांचवा स्ट्रीट्स छठा डोंकी सातवा स्कॉल्ड आठवा लाइसेंस अगला प्रश्न भी देख लीजिए फिर दोबारा से बुक वाला भी दिखाएंगे आपको राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी सिमिलर वर्ड्स का मतलब क्या है सिनोनिम्स आपको लिखवाई भी थी ग्रामर में उसी में से है। पहला है फुलिश का मतलब मूर्ख नादान नासमझ सिली स्टोन्स मतलब पत्थर हो गए पेबल्स मिस मतलब शैतान है ना नोटी शैतानी फेज का मतलब लाना ब्रिंग का मतलब लाना तो इस प्रकार से सिनोनिम्स हो गए अब देख लीजिए बुक में क्या दिया हुआ है चलिए राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी क्वेश्चन नंबर टू देखिए यहाँ पे फुलिस के सामने क्या लिखेंगे बताओ दोबारा एक बार और बताएंगे तो क्या लिखेंगे फुलिस के सामने सिली लिखेंगे स्टोन्स के सामने क्या लिखेंगे यस पेबल्स लिखेंगे मिस के सामने क्या लिखेंगे यस बिल्कुल सही है नोटी फिज के सामने ब्रिंग लिखेंगे चलिए दोबारा से देख लीजिए एक बार आंसर इनके फुलिस का सिली है ना चलिए देख लीजिए का सीली है स्टोन्स का फेबल्स मिस का का, ब्रिंग। ठीक है। चलिए चलिए हो सिमिलर वर्ड्स उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए नाइन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ये जो बॉक्स में तीन वर्ड्स दिए हुए यहां पे चिल्ड्रेन है ने दे है बेल है तो ये हमें यहां पर फिलअप करना है पहला देखिए द डेस आर प्लेइंग इन द फील्ड तो कौन खेल रहे हैं द चिल्ड्रेन आ जाएगा डैस आर हैप्पी दे आर हैप्पी डे आर प्लेइंग मी इफ यू कैन द डैस रंग इट इज टाइम फॉर लाइस आइए आंसर देख लीजिए फटाफट नंबर नाइन द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड तो चिल्ड्रेन आ जाएगा पहले में दे आर हैप्पी दे आ जाएगा दूसरे में दे आर प्लेइंग मी इफ यू कैन तीसरे में भी कैन आ जाएगा द बेल हैज रंग इट इज टाइम फॉर लाइसेंस तो तीसरे में आ जाएगा चौथे में आ जाएगा बेल आ जाएगा है ना घंटी जो होती है पीरियड लगते हैं जब हमारे पैसे के पैसे पीरियड 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 सेकंड सेकंड थर्ड दिस इज नंबर ऐसे बचता है ना आप स्कूल में तो वो बेल जो है द बेल हैज रंग इट इज टाइम फॉर लेसेंस तो इस प्रकार से पहले में आएगा चिल्ड्रेन दूसरे में आएगा दे तीसरे में विधे और चौथे में बेल आ जाएगा रंग जो है ये रिंग रिंग रंग है ना तो ये थर्ड फॉर्म है रिंग की रिंग का मतलब बजना होता है तो उस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल करना है वन चाइल्ड मैनी वन फॉक्स मैनी वन डक मैनी वन गूज मैनी तो ये प्लूरल में आपको लिखवा दिए थे सारे लिखवाए हुए हैं देख लीजिए वन चाइल्ड मैनी चिल्ड्रेन आपको बताया हुआ है चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रेन होता है वन फॉक्स मैनी फॉक्सेज वन डक मैनी डक्स नी गी तो चगए, डबल ओ की जगह डबल ई ये जब हमने ग्रामर में पढ़े थे प्लुअल हम ग्रामन में पढ़ चुके, चुके हैं ना प्लोअल पढ़ चुके हैं जेंडर पढ़ चुके हैं और मस्कुल uh, जिनको बोलते हैं सिनोनियम्स uh, पढ़ चुके हैं एंटोनियम्स पढ़ चुके हैं इस प्रकार से यूज ऑफ ए एंड ये पढ़ चुके हैं तो ये चीजें इसमें घूम फिर के आ रही है आगे देखिए एड फुल मेक ए वर्ड सारों में हमें फुल फुल लगाना है कैसे लगाना है? वो देख लीजिए द चिल्ड्रेन आर प्ले फुल द फ्लावर्स आर ब्यूटी फुल द बुक्स आर यूज फुल द वेजिटेबल्स आर प्लाइंटी फुल लेकिन क्या होता है कई बार देखिए वाई को हटाना पड़ता है कई बार बिना वाई को हटाए हम फुल जोड़ सकते हैं तो आंसर देख लीजिए द चिल्ड्रेन आर प्ले फुल प्ले फुल में वाई है द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल में देखिए आप टी के बाद में वाई की जगह आई लिख दिया बुक्स आर यूजफुल द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल तो प्लेंटीफुल और ब्यूटीफुल जो है दोनों में वाई गायब है एड एल वाई एल वाई L -Y. L -Y जोड़ना लास्ट में हमें द न्यू शूज आर लवलीज रियली स्मार्ट वी शुड इट स्लिंग सॉफ्टली तो रियली क्या कई बार क्या होता है जैसे हाँ यहाँ पे देख लीजिए रियली really में देखिए आप डबल एल है ना एल वाई तो आप ये नहीं कि एल पहले से लगा हुआ तो हम नहीं लगाएंगे इसमें भी लगाना लवली लव love पहले से था एल वाई लगा दिया रियली really, रियल real पहले से था एल वाई लगा दिया स्लो पहले से था एल वाई लगा दिया सॉफ्ट एल वाई द न्यू शूज आर लवली ही इज रियली स्मार्ट वी शुड ईट स्लोली लाइटस्ट सिंग सॉफ्टली इस प्रकार से चार हो गए इसमें एल वाई एल वाई हमने ऐड कर दिया लव रियल स्लो और सॉफ्ट इनकी आगे हमने एल वाई एड कर दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन एड आई एस एच टू मेक ए न्यू वर्ड अब हमें आई एस एच जोड़ना है जो ब्रेकेट में दे रखे द गर्ल इज ऑलवेज ड्राइंग सी इज चाइल्ड चाइल्डिश आई स्लिप ऑन ए बनाना पील आई फील फूलिश माई सिस्टर इज बेबीस चलिए देख लीजिए आंसर फटाफट तीन प्रश्न है यहाँ पे एबीसी ओके द गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग सीज चाइल्डिस आई एस एस लगाना है हमें आई ऑन स्ली बनाना पील आई फील फूलिश माई सिस्टर इज बेबी बेबी जो है ना वाई भी इसमें है आई भी है दोनों है इसमें बी ए बी वाई सेम टू सेम फिर आई एस एस भी इसमें जोड़ दिया इस प्रकार से चाइल्डिश हो गया फूल का फुलिश हो गया बेबी का बेबिश हो गया उसके बाद लग लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन uh, राइट फाइव सेंटेंसिस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम पाँच सेंटेंस लिखिएगा आप घर में कैसे हेल्प करते हैं आई हेल्प मदर तो आपको सेंटेंस अपनी तरफ से लिखना है चलिए देख लीजिए आई हेल्प मदर इन क्लिनिंग दाउस मम्मी की हेल्प करता हूँ करता हूँ करती हूँ सफाई में आई हेल्प फादर बाई फैचिंग हिम द न्यूज़ पेपर ला के देता हूँ आई ऑल्सो हेल्प माई यंगर ब्रदर इन स्टडीज आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ लर्निंग द डांस स्टेप्स आई डू लॉस ऑफ वर्क इन द हाउस तो आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है तो इन अगर इन क्वेश्चन आंसर को आप करना है आपको तो आपको सिर्फ गूगल पे जाके और डालेंगे आप सर्च करेंगे गूगल पे ये देखिए फिर आपको ऐसा दिखाई देगा सर्च कैसे करना है क्या है? उस पर टाइप करना है चलिए देख लीजिए गूगल पे जाके आपको के वी एस जोन ये टाइप करना है वर्ड इतना टाइप करेंगे तो ये जो एक ब्लॉग बनाया हुआ है वर्ड ये खुल जाएगा ऊपरी ऊपर जो दिखा रहा है के वी के जोन एंड इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे दबाएंगे प्रेस करेंगे तो ये वाला खुलेगा यहाँ पे देखो क्लास टू क्लास थ्री इंग्लिश क्लास थ्री ई तो आपको जहाँ जो भी इसमें काम चाहिए इंग्लिश का ई का वो यहाँ पे मिलेंगे वीडियोस वगैरह सब मिलेंगे तो सारी क्लासेस की यहाँ पे नहीं है धीरे धीरे अपडेट या अपलोड हो रहे हैं तो क्लास थ्री के यहाँ पर अवेलेबल है थैंक यू सो मच